अगर किसी को साइनस की समस्या हो जाए तो हम कौन कौन सा पॉइंट प्रेस कर सकते हैं? सबसे पहले साइनस के पॉइंट आपके फेस के ऊपर बने होते हैं, ये आईब्रो के पास में यहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे हैं, इन गड्ढों को अगर हम प्रेस करें हल्का सा 4-5 बार क्लॉकवाइज करें तो ये छोटे छोटे गड्ढे हैं जिनको हम साइनस के तौर पर प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद में ये आईब्रो के नीचे अगर हम जाएं तो यहाँ पर साइनस के पॉइंट है, यहाँ छोटे छोटे गड्ढे हैं, ये गड्ढे इनसे लगातार म्यूकस सिक्रीट होता है जो कि हमारे फेस को तरोताजा बनाकर रखता है। इसके बाद में हम नाक के पास में यहाँ पर ये नाक की जो हड्डी है यहाँ खत्म होती है, वहीं पर ये साइनस के पॉइंट है, यहाँ प्रेस करें 3-5 बार आप क्लॉकवाइज करिए, ये गड्ढे आपके स्टिमुलेट हो जाएंगे, यहाँ से लगातार म्यूकस बनेगा। इसके बाद में यहाँ पर ये साइनस के पॉइंट है, इनको प्रेस करना है 4-5 बार क्लॉकवाइज करिए। साइनस में आपको सिर में दर्द है, फेस में भारीपन है, जुकाम हो गया है, रनिंग नोज है या ब्लॉक हो गई है नोज तो करेंगे। फिर यहाँ पर इस नाक के बिल्कुल बीचों बीच हम प्रेस करते हैं, ये साइनस का पॉइंट है, इसको भी 4-5 बार क्लॉकवाइज करेंगे। और इसके बाद में आपके चिन के ऊपर यहाँ पर भी क्लॉकवाइज, यानी कि फेस के ऊपर भगवान ने नेचुरली कुछ गड्ढे बनाए हुए हैं, छोटे छोटे होल्स बनाए हैं जहाँ से लगातार म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस सिक्रेट होता है जो कि आपके फेस के ऊपर फेस को तरोताजा रखने में मदद करता है। जैसे ही हम इस पर पानी मारते हैं जो सेल अपने आप स्टिमुलेट हो जाती है, और पानी मारने के बाद जैसे ही चेहरा धोते हैं हमारा अपने आप फ्रेश हो जाता है, तो चेहरे पर भारीपन है, सिर में दर्द है, आंखों में भारीपन है, आंखों में साइनस की वजह से समस्या हो रही है, तो आप इन गड्ढों को प्रेस कर इन छोटे छोटे होल्स को प्रेस कर इनको स्टिमुलेट कर सकते हैं, और लगातार यहाँ से म्यूकस सिक्रेट होना जरूरी है, तभी आपका फेस नेचुरली ग्लो करेगा और आप नेचुरली हसमुख बने रहेंगे, और इस पॉइंट के माध्यम से आप किसी भी समस्या साइनस की समस्या में मदद पहुँचा सकते हैं।